सीएससी के लड़कों को आसानी से गर्लफ्रेंड मिल जाती है? थर्ड ईयर में तो मिल जाते हैं, अच्छा इंटर्न लगा तो। प्लेसमेंट का मैक्सिमम कितना पैसा मिला है? मैक्सिमम तो लास्ट ईयर 2.4 करोड़ था। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। अगर आपको बैकग्राउंड देख के वीडियो के लोकेशन का अंदाजा नहीं लग रहा है, मतलब आपने सीएससी डिपार्टमेंट की टूर वीडियो नहीं देखी है, सो गो एंड वॉच इट राइट नाउ बिकॉज दैट वीडियो इज अमेजिंग एंड देन वॉच दिस वीडियो ऑफ कोर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपोज सीएससी डिपार्टमेंट। बाई एक्सपोजिंग आई मीन दैट देर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट सीएससी डिपार्टमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी मिथ अबाउट सीएससी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अपन इतने बढ़िया से पॉडकास्ट के बीच रुके क्यों है। द एक्चुअल रीजन इज मुझे आप में से किसी एक लकी विनर को ये बुक देनी है, उसके बारे में आगे बताता हूँ। सो डू यू नो कि दिशा पब्लिकेशन ने कि नहीं रिसेंटली 120 जेई मेन पीसीएम लॉन्च किया है, जो कि बेस्ट सेलर है अमॉन्ग द पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन। तो दिस इज अ कॉम्बो विच इज वेरी यूजफुल फॉर जेई मेन एंड एडवांस। इसके अंदर 2012 से लेकर 2022 तक के ऑनलाइन पेपर्स है एंड 2002 से लेकर 2018 तक के ऑफलाइन पेपर है एंड यहाँ पे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जिसके सॉल्यूशंस भी हैं एंड दिस सॉल्यूशंस आर वैलिडेटेड बाय एनटीए। तो यार ये जो बुक है ना, दिस इज मस्ट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। पर्सनली मैंने ये बुक्स खुद यूज किए अपनी जेई के टाइम एंड बिलीव मी दिस हेल्प मी अ लॉट। आपका परफॉर्मेंस 10-15% इंक्रीज हो जाएगा इससे। सो डू बाय दिस बुक, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अभी बात करते हैं कि ये बुक आपको कैसी मिल सकती है, दिस वन स्पेसिफिकली। तो आपको बस एक काम करना है, अब जो ये वीडियो चल रही है आपको वो इंस्टाग्राम पे शेयर करना है विद अ स्पेसिफिक लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वो मैं डाल दूंगा एंड मुझे टैग करना है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है सिनेमैटिक इंजीनियर। सो इंस्टा तक पहुंच गए तो फॉलो भी कर देना अगर अच्छा लगे एंड लेट्स नाउ कंटिन्यू अवर अमेजिंग पॉडकास्ट। एंड अभी अपन कर रहे हैं एक पॉडकास्ट विद विद्या एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिथ्स अबाउट सीएससी, अपॉर्चुनिटीज इन सीएससी एंड लेट्स डू सम रैंडम टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी डैट कि सीएससी में ऐसे बोला जाता है कि जिसको सीएससी मिलकर उसकी लाइफ सेट हो जाती है, तो ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता, इधर आने के बाद भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। सब लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं डिपार्टमेंट में, रिलेटिव ग्रेडिंग होता है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है और इंटर्न लगाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग इनकेस आपको पता नहीं है तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मान लो हमारी ग्रेडिंग सिस्टम होती है तो ए बी मतलब 10, 9, 8 ऐसी ग्रेडिंग होती है एंड मान लो कि देयर वॉज अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स जिसमें से एक बंदे ने 90 प्लस मार्क लाए, बाकी सब की 50 से कम है। तो अभी क्या होगा, जो 90 प्लस लाए उसको बहुत अच्छा ग्रेड मिलेगा एंड जो 50 से नीचे है उन सबको बेकार मिलेगा। बट अगर कोई भी 90 से ऊपर मार्क नहीं लेता, सबके 50 के पीछे होते, सबको अच्छे ग्रेड मिलते हैं। तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको आरजी बोल के, मतलब एक हमने एक टर्म बना दी है आरजी, कि ये आरजी कर रहा है, ये खुद पढ़ रहा है, दूसरों को पढ़ने नहीं दे रहा है। तो हम ऐसे कुछ तो एक टर्म है, आप जो इंस्टे हो गए आपको पता चल जाएगा आरजी वगैरह क्या क्या होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, वॉट आर अपॉर्चुनिटीज़ इन सीएससी? मतलब अब बस कोडिंग ही करते रहे तो यार देर आर सम अदर स्टफ विच यू कैन डू? तो क्वांट ट्रेडिंग होती है नॉर्मली, वेब डेवलपर होती है और AI ML के रिलेटेड इंटर्न्स होते हैं और कुछ लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं प्रोफेसर्स के अंडर या मे बी कुछ कंपनी को रिसर्च करनी है कि उस टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर सकते हैं तो उसके भी अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर आप किसी प्रोफेसर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करो ना तो आपको प्रोफेसर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, LOR भी दे सकता है। LOR इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिससे आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इजीली एडमिशन ले सकते हो। सो प्रोफेसर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। सो लेट मी आस्क अ फनी क्वेश्चन, लाइक कि सीएससी के लड़कों को आसानी से गर्लफ्रेंड मिल जाती है? थर्ड ईयर में तो मिल जाते हैं, अच्छा इंटर्न लगा तो। ओके, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है कि पहले दो ईयर में हम, मतलब हमारे खुद से जो इंटर्न करने वो कर सकते हैं, बट थर्ड ईयर से हमें हमारे कैंपस के थ्रू जो भी कैंपस के इंटर्नशिप वाले कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके थ्रू एक एक्चुअल मेन इंटर्न लगती है। तो विद्या का बोलना ये है कि जब थर्ड ईयर में लोगों को अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप मिल जाती है तब उनको गर्लफ्रेंड्स भी मिल जाती है, मतलब जो भी लड़के, क्योंकि पैसे आ जाते हैं। तो इवेंचुअली इट्स काइंड ऑफ गोल्ड डिगर, इज इट?
मतलब नॉट एवरी वन बट हाँ थोड़ा बहुत होता है. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड वाई समवन हैज अ गर्लफ्रेंड सडनली और फिर इंटर्न के बाद गर्लफ्रेंड चली गई. मतलब आई डोंट हैव अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसके अलावा. सो दैट मस्ट बी द ट्रू रीजन. मतलब इंटर्न से पहले नहीं थी, इंटर्न के टाइम आई, इंटर्न के बाद चली गई. सो आप समझदार हो जानने के लिए. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सी एस सी में आने के लिए लोगों को बहुत टैलेंटेड होना ज़रूरी है क्या? जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है, मतलब मैं पढ़ाई में इतना होशियार नहीं हूँ बट मुझे सी एस सी करना है. तो मतलब व्हाट्स द आंसर फॉर दिस? ऑब्वियसली जेई में अच्छा रैंक मिला तो ही तुम लोगों को सीट मिलेगा. पर मिलने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि एम पी सी कोई अच्छे से किया तो उसको कोडिंग भी अच्छे से आना चाहिए. मैंने बहुत लोगों को देखा जो एम पी सी में उतना अच्छा नहीं है पर कोडिंग अच्छे करते हैं. होते हैं लोग इधर ज्वाइन नहीं होने से भी कोडिंग अच्छे तो कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको सी एस सी में करियर करना है बट आपको पी सी एम अच्छे से नहीं आ रहा है, आप उसकी वजह से जेई क्रैक नहीं कर पाए और अच्छा आई आई टी नहीं मिला, अगर आप खुद से भी सी एस सी में प्रेप करें, कोडिंग वगैरह में प्रैक्टिस करें, जैसे कि गिथहब पे कोड रन वगैरह करें, अच्छी रैंक पाए गिथहब पे, तो आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को एक्सटर्नली खुद से अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये आजकल कैंपस से भी लेती है बट खुद अपने वेबसाइट पे भी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं. तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको पी सी एम में इंटरेस्ट नहीं है बट कोडिंग में है, बट पी सी एम में नहीं होने के कारण आप जेई क्रैक नहीं कर पा रहे बट स्टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो इन सी एस सी थ्रू various options like directly applying in companies. So one more question is like CSC लोगों को मतलब CSC में जो लोग हैं उनको लोग मानते हैं कि ये मग्गू है, दिन रात पढ़ते रहते हैं, एडवेंचर कुछ करते नहीं है, बस कोडिंग लैपटॉप के आगे दिमाग ख़राब हो रहा है कोडिंग करते रह रहे हैं. सो इज दिस मेथड ट्रू? ऐसा कुछ नहीं है. हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो पढ़ाई भी करते हैं, बकचोदी भी करते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ बकचोदी करते हैं मेरे जैसे लोग. सब टाइप का लोग तो मिलते हैं हमारे डिपार्टमेंट चैट. हमारे डिपार्टमेंट ग्रुप पे चैटिंग देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि हमारे लोग मग्गू नहीं है. तो गाइस सीएससी आर नॉट मग्गू. ऑफ कोर्स अगर आपने विद्या को देखा है तो आपको पता ही चलेगा कि सीएससी आर नॉट मग्गू. तो अभी सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कितना पैसा मिलता है सीएससी वालों को. तो पहले तो बात करते हैं कि इंटर्नशिप सीजन में कितना पैसा मिलता है, मैक्सिमम कितना मिला है? तो मैक्सिमम तो 16 लाख था इस बार. 16 लाख पर मंथ, मतलब दैट टू इन अमेरिका सैन फ्रांसिस्को. एंड 16 लाख पर मंथ अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल एंड अकोमोडेशन. तो उसका अलग से देंगे, 5-star होटल में रहने के लिए देंगे, खाना बढ़िया सा देंगे. बट जिन लोगों की लगती है ना, ये काफ़ी कम लोगों की लगती है. तो दो लोग हैं इस बार जिनके मतलब ये 16 लाख वाला पैकेज वाला इंटर्न लगा है. तो काफ़ी बढ़िया ऑफर है. आप सोच सकते हो कि एक महीने में 16 लाख, दो महीने की इंटर्न होती है तो लगभग 30 लाख आप बस दो महीने में इंटर्नशिप से कमा रहे हो. एंड अभी आते हैं प्लेसमेंट्स पे. तो प्लेसमेंट का मैक्सिमम कितना पैसा मिला है? मैक्सिमम तो लास्ट ईयर 2.4 crores था. 2.4 crores पर एनम, राइट? हाँ पर एनम. ऊबर ऊबर ने दिया था. ऊबर ने दिया था. एंड ये कितने लोगों को मिलता है ये जो मैक्सिमम? ये 2.4 तो सिर्फ एक के लिए मिला, मतलब कुछ तीन लोगों को ही मिलता है, कुछ 3-4 लोगों को ही मिलता है. अबव 1 crore की, अबव 1 crore के लिए 3-4 लोगों को मिलता है. यानी बस गिनी चुनी कंपनीज है, ऊबर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, यही आती है. इतना बड़ा पैकेज यही कंपनीज देती है बट जिन लोगों को देती है ना उनके नंबर्स काफ़ी कम होते हैं. तो जो रिमेनिंग होते हैं ना उनको कैसा होता है? रिमेनिंग लोगों को मिनिमम कुछ 20 LPA तक भी जा सकता है. एवरेज तो एक CSE ग्रेजुएट को 35 lakhs उतना ही. तो मिनिमम इनका है 20. अभी हमारे ब्रांच के मैं मैक्सिमम बताऊँ तो मुझे शर्म आ जाएगी. तो मिनिमम भी इनका काफ़ी ज़्यादा है. 20 lakhs पर ईयर इज ऑल्सो डिसेंट अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास इंडियन. मतलब अगर आप CSE में आ रहे हो तो और ठीक ठाक पढ़ लो तो आपको एटलीस्ट 20-30 LPA तो मिल ही जाएगा. तो मतलब CSE में आने के लिए फाइट मारो, अच्छा पैकेज लो, लाइफ सेट हो ही जाएगी इनकेस अब अच्छे से पढ़ लो. अगेन सबको नहीं मिलेगा, तुम लोग आके अच्छे से कोडिंग करेंगे तो देंगे, तुम लोग बस दे दो मतलब नहीं मिलेगा तुम लोगों को, मतलब कुछ लोगों को. हाँ मतलब पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपका CSE में लग गया आपकी लाइफ सेट हो गया, आप आगे कुछ करना ही नहीं है. यू हैव टू स्टडी. इनफैक्ट आपकी प्लेसमेंट भी लग जाए ना लाइफ के हर एक मोमेंट पे तो पढ़ना ज़रूरी होता है, तभी आप ग्रो कर पाओगे. Absolutely. So that's it for today. If you have liked this podcast, do subscribe the channel and tell me what podcast you want in next video. Bye bye. See you soon. And thank you so much, Vidya. Thank you. Bye bye. Bye bye, guys.